पोटा होता है कबूतर का, ये जो पोटा होता है ये कबूतर का बाहर निकला रहेगा। जैसे कि हम लोगों का सीना बाहर निकला रहता है, हम मतलब मर्दों में और औरतों में भी ऐसा ही रहता है कि मर्दों की क्वालिटी पर्सनालिटी अलग ही दिखती है। अभी ये देखिए, ये मेरे हाथ पे आके बैठा है, ये भी नर है और इसका भी ये क्रॉप बाहर निकला हुआ है कोटा। अब दूसरी बात, ये तो हो गया, ये कोटा बाहर निकला हुआ है, अब इसकी जो खोपड़ी रहेगी हल्की सी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज की भाई की कमेंट कि भाई नर और मादिन का कैसे पहचान करें, नर और मादिन की पहचान करने का तरीका क्या है। तो भाई कैसे पता किया जाए कि नर कौन सा है और मादिन कौन सी है कबूतरों में, ये लोगों को बहुत डाउट रहता है जब कबूतर ख़रीदना होता है या जोड़ा लगाना रहता है या अपने ही घर के हों और अपने को पता नहीं हो, बच्चे हों। तो मेरे भाई, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नर कौन सा है और मादिन कौन सी और उनकी पहचान कैसे की जाए। तो भाई पहला पॉइंट तो आपको बताऊंगा कि कबूतर की चाल से, आप ये देख रहे हैं ये ब्लैक वाला कबूतर और एक ये कबूतर, मतलब तीन कबूतर है इसमें और एक वो कबूतरी है लंगड़ी, ये आप देख सकते हैं तीनों पीछे हैं। तो इनके स्ट्रक्चर को देखिए, उनकी खड़ाक देखिए और उस मादिन को देखिए कि उसका हाव भाव, उसका स्ट्रक्चर, उसके चलने की जो स्टाइल होती है वो अलग होती है। इनके चलने की स्टाइल से आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए, ये जो टप के ऊपर बैठे हैं इनमें से ये जो नीचे गया ये कबूतर है, अब उसके साइड से भी काला कबूतर है। अब मैं कबूतर आपको पकड़ के दिखाऊंगा कि कबूतर की पहचान क्या क्या होती है। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक नर कबूतर है। अब मैं आपको नर कबूतर की पहचान बताऊंगा, जो कि लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि नर कबूतर। तो भाई आप ये कबूतर को देखिए, गौर से देखिए भाई, तो दूर रहे। ये जो पोटा होता है कबूतर का, ये जो पोटा होता है ये कबूतर का बाहर निकला रहेगा। जैसे कि हम लोगों का सीना बाहर निकला रहता है, हम मतलब मर्दों में और औरतों में भी ऐसा ही रहता है कि मर्दों की क्वालिटी पर्सनालिटी अलग ही दिखती है। अभी ये देखिए, ये मेरे हाथ पे आके बैठा है, ये भी नर है और इसका भी ये क्रॉप बाहर निकला हुआ है कोटा। अब दूसरी बात, ये तो हो गया, ये कोटा बाहर निकला हुआ है, अब इसकी जो खोपड़ी रहेगी हल्की सी गोल रहेगी, हल्की गोल, और ये जो खोपड़ी होगी ये मोटी रहती है। इसकी जो हड्डी होती है ये मोटी हड्डी होती है भाई, इसकी जो हड्डी होगी ये बिल्कुल मोटी होगी कबूतर की, और कबूतरी की जो हड्डी होगी वो पतली रहेगी। उस कबूतरी को अपन पकड़ेंगे भी तो उसकी हड्डी हल्की पतली रहेगी। कबूतरी का स्ट्रक्चर हल्के वजूद का रहेगा और कबूतर का मोटे वजूद का। ये क्रॉप देख ले, ये हड्डी देख ले। अब ये देखिए, ये भी कबूतर है, आपको दिख रहा होगा ये भी अपना कबूतर है। तो इसका वजूद देखिए, ये जो क्रॉप है ये बाहर निकला रहेगा और ये इसकी हड्डी भी, ये जो सर की खोपड़ी की हड्डी है ये भी बाहर निकली रहेगी हल्की सी उभरेपन पे और मोटी रहेगी। तो ये इनकी बहुत ही ख़ास पहचान होती है कबूतरों की। और मादिन में हल्की सी चपटी रहेगी, दबी हुई और पतली हड्डी की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये दो चीज़ें पहले देखना है। अरे क्यों मारता है यार, जा तेरा काम नहीं। तो भाई ये चीज़ें आपने देख ली। अब इसके बाद में मेन चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि कबूतर और कबूतरी की पहचान कैसे की जाती है। तो यहाँ आप
यहाँ पे जहाँ बीट करते हैं यहाँ पे आप उंगली लगाएंगे और ये यहाँ पे दो हड्डियाँ होती है, दो हड्डियाँ कैसी होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे ऊपर से आई हैं दो हड्डियाँ, तो कबूतरी की जो रहेगी हड्डी वो ऐसी रहेगी और कबूतर की जो रहेगी वो इतनी रहेगी, बिल्कुल उसमें गैप नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी, और कबूतरी की ऐसी रहेगी क्योंकि वो अंडा देती है तो उसकी हड्डियों में ऐसी गैप रहेगी और कबूतर की बिल्कुल हड्डी ऐसी रहेगी, बिल्कुल कम गैप रहेगी। तो अभी ये कबूतर की हड्डी तो अंदर होती है, बाकी ये यहाँ महसूस करने पे बिल्कुल इतनी इतनी गैप लग रही है और कबूतरी की हड्डी बिल्कुल भी चिपकी नहीं रहेगी। तो दोस्तों कबूतर, लोग बोलते हैं कि कबूतर को हाथ पे रखो पलटी मारेगा, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लोग दिखाते हैं भाई कि ये हथेली को यूं करें और ये कबूतरी है वैसे, अब इसकी ये जो हड्डी है ये हाथ लगाने से ही लगती है बिल्कुल चपटी, ठीक है, और ये इसकी यहाँ की जो ये हड्डी देखे, मैंने ये उंगली, ये पूरी उसकी हड्डी के बीच में ये उंगली खड़ी रखी तो मेरी उंगली आ गई दोनों हड्डियों के ऐसे बीच में। अब मैं आपके सामने इसको यूं करके गर्दन रखूँगा, ये देखिए ये पड़ी है, ये बिल्कुल ये पड़ी, अब ये कबूतरी कबूतरी है। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि ये जैसे अपने हाथ पे अगर पड़ी रहे तो वो कबूतरी ही है, किसी किसी की बॉडी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अभी इसके पर कटे हुए हैं ब्रीडिंग के लिए, तो इस पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कबूतरी ने पलटी नहीं मारी तो वो कबूतरी, और अगर पलटी मार दी तो वो कबूतर। किसी किसी केस में ऐसा भी हो जाता है कि कबूतरी भी पलटी मार देती है, तो भाई उसके चाल ढाल से आप पता लगा सकते हैं। कबूतर गुटकना शुरू कर देता है 2 महीने के बाद में, वो कबूतर गुटकना शुरू कर देगा। अब अगर वो कबूतर बना तो गुटकना शुरू कर देगा, और अगर आपके यहाँ दाना पानी उसको टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है या सिर्फ गेहूं बाजरे पे पल रहा है तो भाई वो 3 महीने के बाद भी गुटकना शुरू ना करे या ठंडा रहे, उसकी तासीर ठंडी है तो गुटकेगा नहीं। ऐसे में आपको कबूतर और कबूतरी में पहचान करने में थोड़ा डाउट होगा। एक और कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये एक कबूतर है, अभी ये इसके बच्चे पाल रहा है, करीब महीने भर के बच्चे हो गए और वो काला बच्चा इसी का है। तो भाई ये जो कबूतर है इसकी खोपड़ी हल्की बाहर निकली है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा छोटा स्ट्रक्चर का कबूतर है, और ये कबूतर की पहचान पर कटे हुए हैं, ये कबूतर की पहचान भाई सिर्फ हड्डी जोड़ से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कबूतर है ये बिल्कुल छोटे स्ट्रक्चर का है, इसका हल्का थ्रोट बाहर निकला हुआ है और वो गुटकेगा जब भी आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इससे हल्का स्ट्रक्चर जिसका रहता है वो धोखा खा जाता है। तो मेरे भाई की कमेंट पे कि कबूतर कबूतरी की पहचान कैसे करें, तो भाई जो कबूतर पालना अच्छे से जानता है, जिसको थोड़ा टाइम हो चुका है, वो भी धोखा खा जाता है कभी कभार, जो नए कबूतर लेने जाएगा खरीदने जाएगा। हड्डी जोड़ में आप देखेंगे तो उसकी जो हड्डी होगी उससे बहुत जल्दी आप कवर कर लेंगे, उसके बाद दूसरे लक्षण उसके गुण मैच कर ले तो आप पहचान जाएंगे। ऐसे अगर कबूतर चूक रहे हैं और उसमें अगर किसी को पहचानना है तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते